મેઘરાજના પહાડિયા ગામે ફાઇનાન્સ ઓફિસમાં ચોરીનો મામલો જિલ્લા એલસીબીએ ચોરીનો ભેદ ઉકેલવામાં સફળતા મળી। મેઘરાજના પહાડિયા ગામે ફાઇનાન્સ ઓફિસમાં ચોરીનો મામલો 9 સપ્ટેમ્બરના રોજ ફાઇનાન્સ ઓફિસમાંથી તસ્કરો 9.65 લાખ ભરેલ તિજોરીની તસ્કરીની ચોરી કરી। જિલ્લા એલસીબીને ચોરીનો ભેદ ઉકેલવામાં સફળતા મળી। પોલીસે ચોરીની ઘટનાના બે આરોપી તિજોરી અને 9.65 લાખ રોકડ જપ્ત કર્યા। ફાઇનાન્સમાં નોકરી કરતો કર્મચારી દ્વારા ચોરીને અપાયો હતો અંજામ। પોલીસ દ્વારા આરોપીની વધુ પૂછપરછ કરાશે। 9 સપ્ટેમ્બર કો મેઘરજ પોલીસ સ્ટેશન મેં એક બાતમી મિલી કે જો લાઇટ માઇક્રો ફાઇનાન્સ કી જો બ્રાન્ચ હૈ રામગઢી કે પાસ ઉસમે ચોરી હુઈ હૈ। જબ મેઘરજ પોલીસ સ્ટેશન કે સ્ટાફ વહાં પહોંચે તો હમે યે પતા ચલા કે કરીબન 9,65,000 કે પૈસે एवं DVR, दो मोबाइल्स, तिजोरी, ये सब चोरी किए गए थे। कभी भी 9 सितंबर की रात को ये हमें सारी बातें पता चली। उसके बाद हमने BNS सेक्शन 331/4 पर ये FIR रजिस्टर की और हमारे जो DIG सर हैं श्री वीरेंद्र सिंह यादव सर उनके मार्गदर्शन में LCB ने टीम्स बनाई। टेक्निकल सर्वेलेंस और ह्यूमन सोर्सेज के आधार पर एक पिकअप डाला को रिकॉग्नाइज किया गया। बोलेरो पिकअप डाला था जिसमें ये सारा वो उसका शंकास्पद एक्टिविटी लग रही थी ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी के पास, जिसमें सारा मटेरियल जो मुद्दा माल था वो मेघरज से बाहर ले जाया जा रहा था, वहीं आसपास घुमाया जा रहा था। LCB की एक टीम ने बैठकर सारा टेक्निकल एविडेंस को बहुत अच्छे से एनालाइज कर जो पिकअप डाला का जो ओनर है रामचंद शानाभाई डामोर उस पर हमने ज़ीरो इन किया, जो मेघरज का रहने वाला है राजपुर में, उसको पहले पकड़ा हमारी टीम्स बनाकर कॉर्डन ऑफ कर उसके घर से। उसके बाद हमें इसके बाद और पता चला कि दो लोग जो इस माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करते थे, एक है प्रकाश कुमार नटवर भाई डामोर जो कि काम करता था और दूसरा लक्ष्मण भाई रूपा भाई डामोर जो एक वर्ष पहले काम छोड़ चुका था। ये इन तीनों की मिलीभगत थी, इन तीनों ने ये पूरी प्लानिंग की थी और इस प्लानिंग के तहत उन्होंने यहाँ चोरी का अंजाम किया था। LCB की जो टीम है लेड बाय LCB PI HP गरासिया, इन्होंने पूरा मुद्दा माल रिकवर किया। जितने रोकड़ रकम है 9,65,000 वो रिकवर हुए, एक दो मोबाइल फ़ोन्स रिकवर हुए, जो तिजोरी थी वो भी इन्होंने उठा लिया था, पूरी तिजोरी भी रिकवर हुई है, एवं जो महिंद्रा बोलेरो पिकअप डाला है जिसकी कीमत 5 लाख है, कुल मुद्दा माल की कीमत है 14,93,052 रुपीस, ये पूरा रिकवर करने में LCB कामयाब हुई है। पहले कोई किसी ड्राइव को जो अंजाम दिया या फिर MO क्या थी ऐसा कुछ? जी नहीं, इन्होंने कोई भी ऐसा पहले इनके खिलाफ कोई FIR रजिस्टर नहीं है। ये तीनों आरोपी में से एक दो जो आरोपी थे वो यही माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करते थे, तो उनको पूरा जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी का जो पूरा वर्किंग है उन्हें पता था कि कब यहाँ पैसे रहने वाले हैं, कब ये पैसे उठाने वाले हैं, वो सारी चीज़ें उन्हें पता थी। इसमें से दो जो आरोपी हमने पकड़े हैं उसमें से एक लाइट माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करता है और एक जो वॉन्टेड आरोपी है लक्ष्मण भाई वो अभी पकड़ने को बाकी है, वो एक साल पहले इस माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम कर चुका था। जयदीप भाटिया की रिपोर्ट, S9 न्यूज़ अरवली। हमारी तमाम माहिती थी अपडेट रहने के लिए जुड़े रहो S9 न्यूज़ साथ।